हेलो दोस्तों, यूट्यूब जीवन संजीवनी आयुर्वेदा में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मलेरिया या टाइफाइड बुखार को जड़ से ख़त्म करने के लिए तुलसी माता के बीज व पत्तों से बनने वाले नुस्खे के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको तुलसी माता के अच्छे प्रणाम बताऊंगा। दोस्तों, तुलसी माता को लगाने से हमें यदि पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो हम बृहस्पति वार के दिन धूप बत्ती और चने की दाल का सेवन करने से एक लोटा गंगा जल या जल शुद्ध जल चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि हम 5 बृहस्पतिवार को या 7 बृहस्पतिवार को तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे और साथ में आपको चने की दाल चढ़ानी है, एक लोटा जल या गंगा जल चढ़ाना है, दोस्तों आपको पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। और वैसे तो तुलसी माता की रोज़ ही पूजा की जाती है। दोस्तों, तुलसी माता की पूजा करने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिसमें हमें लक्ष्मी जी का वास भी अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों, जिसके पास लक्ष्मी जी की कमी है, माता लक्ष्मी की पूजा की करते हैं तो तुलसी माता के साथ एक लक्ष्मी माता की तस्वीर छोटी तांबे की या किसी भी धातु की बना करके अवश्य रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश जरूर अच्छा होगा। दोस्तों, मैं अब आपको मलेरिया व टाइफाइड के इलाज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मलेरिया व टाइफाइड के बीमार पेशेंट के लिए दोस्तों हमें 1 चम्मच तुलसी के बीज लेने हैं या फिर 20 पत्ते लेने हैं। दोस्तों, यदि हमने तुलसी के 1 चम्मच बीज लिए हैं तो उसमें 10 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च और तुलसी के बीज को पीस करके हमें पाउडर बना लेना है। दोस्तों, उसका 3 बार हम दिन में सेवन करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम को हम दोस्तों इसका सेवन करेंगे। यदि हमने पत्ते लिए हैं तो 20 पत्ते को हम रगड़ करके और साथ में काली मिर्च को, 10 काली मिर्च को किसी भी सिल पत्थर पर रगड़ करके उसका लिक्विड बना लेंगे, वह 3 खुराक में लेना है, सुबह, दोपहर व शाम को। दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।